नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन न्यूज टीवी में और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में आज क्या है आपके लिए खास। व्यवसायिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान एवं राजधानी दिल्ली एनसीआर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाले एसकेएन बेंटेक्स ग्रुप एवं हरियाणा सिटी गैस के चेयरमैन तथा एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एनसीटी दिल्ली के प्रेसिडेंट कपिल चोपड़ा को नाइजीरिया सरकार ने नाइजीरिया इंडिया बिजनेस काउंसिल का पैटर्न नियुक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीते महीने आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आए नाइजीरियाई प्रेसिडेंट बोला अहमद टिनुबू ने कपिल चोपड़ा से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि आने वाले समय में उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित किया जाएगा। बीते महीने 7 सितंबर को नाइजीरिया के भारत में हाई कमिश्नर एम्बेसडर अहमद सूले द्वारा जारी पत्र के माध्यम से ये सूचना कपिल चोपड़ा को प्रदान की गई। उन्होंने विश्वास करते हुए कहा कि आने वाले समय में कपिल चोपड़ा के अनुभव का लाभ तो नाइजीरिया को मिलेगा ही, साथ साथ भारत नाइजीरिया के व्यापार में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कपिल चोपड़ा ने कहा कि उद्यमियों के लिए नाइजीरिया के साथ व्यापार करने में सुगमता आए, इसके लिए जल्द ही प्रयास किए जाएंगे। जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल के साथ नाइजीरिया का भ्रमण करके व्यापारिक गतिविधियों का पता लगाया जाएगा। इसके साथ साथ दोनों देशों के आपसी व्यापारिक संबंध कैसे और प्रगाढ़ हो, इस पर भी काम होंगे। कपिल चोपड़ा राजधानी दिल्ली एनसीआर में लोकप्रिय व्यापारिक संगठन एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। वो बेंटेक्स ग्रुप के चेयरमैन के साथ साथ हरियाणा सिटी गैस के चेयरमैन है। यह कंपनी देश के कई राज्यों में सीएनजी और पीएनजी गैस पाइपलाइन एवं गैस स्टेशन के माध्यम उपलब्ध करा रही है। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे एवन न्यूज टीवी। नमस्कार।